आइए ईवीएम की चारों इकाइयों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और वीएसडीओ को जोड़ना सीख लेते हैं। वीवीपैट की परमानेंट केबल अर्थात स्थायी केबल को हम कंट्रोल यूनिट के बैक पैनल में लगाएंगे। इसके रेड ब्लैक रंग के सिरे को हम कंट्रोल यूनिट के रेड ब्लैक सॉकेट से मैच करके लगा देंगे। इसी प्रकार हम वीएसडीयू के हरे नीले सिरे को वीवीपैट के वीएसडीयू सॉकेट से मैच कर लगा देंगे और बैलेट यूनिट के परमानेंट केबल के रेड ब्लैक सिरे को वीवीपैट के बैलेट यूनिट के सॉकेट में मैच कर लगा देंगे। वायर केबल कनेक्शंस इस चित्र द्वारा बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार सारे कनेक्शनों को लगाकर उनकी जांच करने के बाद हम वीवीपैट के पीछे लगे काले रंग के बटन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन अर्थात खड़ी पोजीशन में कर लेंगे। अब सब उपकरण कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कर लीजिए। चारों इकाइयों में लाइट जल जाएगी और यह मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कंट्रोल यूनिट से बैलेट कमांड को देकर मतदाता को उसकी पसंद के उम्मीदवार को मत देने को कहिए। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सम्मुख लगे नीले बटन को दबाकर अपना मत देगा। मतदाता वीवीपैट की विंडो में अपने दिए गए पसंद के प्रत्याशी के नाम एवं चुनाव चिन्ह की पर्ची को देख सकेगा। 7 सेकंड के बाद पर्ची खुद ब खुद कटकर सील ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।